हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको शाही खट्टा मीठा चिवड़ा बनाना बताऊंगी। इसे हम बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल चिवड़ा लिया है, ये थोड़े से बादाम हैं, थोड़े से काजू, ये कटा हुआ नारियल है, सूखा नारियल है जिसको हमने पतला पतला इस तरीके से काट कर तैयार कर लिया है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बूरा, इस तरीके से सभी सामान हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम किशमिश भी डाल सकते हैं। इस तरह की चलनी लूँगी जिसमें मैं चिवड़ा को फ्राई करूँगी, और ये चलनी है जिसमें हम दूसरी और चीज़ों को भी फ्राई कर सकते हैं। अब तो थोड़ा सा चिवड़ा लिया चलनी में, ये ऑयल है कढ़ाई में, इसको एकदम तेज़ गर्म होने पर ही हम चिवड़े को तलेंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसको एकदम तेज़ गर्म हो गया है हमारा ऑयल, इसको डिप करेंगे। बहुत देर हमें डिप नहीं करना है, तुरंत ही इसको हम ऊपर कर लेंगे। देखिए चिवड़ा एकदम से फूल गया है। अब इसको ऑयल हम अच्छे से निकलने देंगे, इसको बार बार डिप नहीं करना है। और जब देखिए ऑयल अच्छे से निकल जाएगा तो इसको हम पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे। बस तलते समय हमारा गैस एकदम तेज़ होना चाहिए, किसी तरीके से बार बार हम सभी चिवड़े को फ्राई करके रख लेंगे। बस ऑयल अच्छे से निकालने देना है। चिवड़े को हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। देखिए सभी पोहे को हम चिवड़ा तैयार, इस पर को हम पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे ताकि ऑयल सूख जाए। अब इस चलनी में हम काजू, बादाम, किशमिश, गोला सभी चीज़ों को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। बस ऑयल अच्छे से निकलने देंगे। देखिए बार बार ऊपर नीचे करेंगे ताकि वो धीमी धीमी। अब ये सब चीज़ें चलते समय हमारी जो गैस है वो एकदम मीडियम, बहुत स्लो होनी चाहिए। अब बादाम को तलेंगे, बादाम एकदम आवाज़ आने लगी है चट चट की, तो इसका मतलब हमारे फ्राई हो गए। ये नारियल है, नारियल भी इसमें बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा हम कॉर्नफ्लेक्स का भी चिवड़ा बना सकते हैं, जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये चिवड़ा तलकर तैयार है। इसको एक बड़े बाउल में ले लेंगे। ये काजू हैं जो हमने फ्राई करे थे, देखिए एकदम सूखे हैं, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ये कच्चा नारियल है जो हमने तला है, बादाम है, किशमिश है, ये नमक, लाल मिर्च, बूरा, चाट मसाला, सभी चीज़ें अब हमारी तैयार हैं। अब हम इससे चिवड़ा तैयार करते हैं। तैयार पोहे में काजू डाले, बादाम डाले, सभी चीज़ें एक एक करके हम डालेंगे। किशमिश डाली, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी आप चाहें खटाई भी डाल देते हैं चाट मसाले में, वरना खटाई है हमारी थोड़ी सी, ताकि वो खट्टा मीठा टेस्ट दे। किशमिश इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसको आप किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं, होली है, दिवाली है, इसके अलावा कभी भी और ओकेज़न पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, स्पेशली होली दिवाली त्यौहार पर तो ये बनाया जाता है। देखिए हमारा चिवड़ा बनकर तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से गुजिया, बेसन के सेव और